सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम, मेरे प्यारे बहन और भाइयों। सी नारायण आपकी सेवा में, आपके खिदमत में उपस्थित हो गया है भाई। आज के दिन विशेष लेकर जो है 26 अक्टूबर के, जी हाँ बहनों भाइयों, तो 26 अक्टूबर के दिन विशेष, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और भाई आज का सवाल, रोचक सवाल, जिसका जवाब होगा वीडियो के अंत में। तो अंत तक वीडियो में आप मेरे साथ बने रहे, आपको अंत में इसका जवाब मिल जाएगा, जो सवाल पहले बार पूछा जाएगा वीडियो के शुरुआत में। तो चलिए बहनों भाइयों, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC यूट्यूब चैनल। तो भाई चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा अगर जिसने नहीं किया, और आज की वीडियो जिनको पसंद आए वो लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, है ना। तो शुरू करते हैं भाई आज की वीडियो दो सुविचारों के साथ, छोटे छोटे सुविचार। तो पहला सुविचार ये है कि भाई आज के ज़माने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं भाई। तो फिर एक बार, ये बहुत ही बढ़िया सुविचार, आज के ज़माने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग भाई टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं, तो आप क्या क्या भरोसा, है ना। तो चलिए, ये हुआ आज का पहला सुविचार। अब आज का दूसरा सुविचार, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। जी हाँ बहना भाइयों, फिर एक बार, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का हो नहीं सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। तो बहना भाइयों, ये हुए आज के दो सुविचार, प्रेरणादायी और मूल्यवान कीमती सुविचार है भाई, प्रेरणादायक है। अब आज का सवाल, रोचक सवाल भाई, आज का सवाल ये है कि भाई कौन सा ऐसा देश है जहाँ पैसे देकर अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकते हो। जी हाँ बहनों भाइयों, बहुत ही बढ़िया सवाल आज का, रोचक सवाल, रोचक जानकारी देने वाला, ऐसा कौन सा देश है भाई जहाँ पैसे देकर अपने के बदले दूसरे को जेल भेज सकते हो। तो ढूंढिए, सोचिए, और भाई इस देश को हम पहचानते हैं, जानते हैं, तो सोचिए, और अगर जवाब ना मिले तो मैं हूं ना, वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहे, अंत में इसका जवाब मैं दे दूंगा। तो चलिए भाइयों, चलते हैं दिन विशेष की ओर। आज ऑस्ट्रिया का राष्ट्रीय दिन है, तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं भाई 26 अक्टूबर के दिन विशेष, जिसमें ये हैं आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1905 में नॉर्वे स्वीडन से आज़ाद हुआ। 1936 में हुअर धरण, इस पर पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर पूर्णतया शुरू हुआ हुअर धरण पर। 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में विलीनीकरण हुआ। 1958 में पैन अमेरिकन एयरवेज की पहली व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। 1962 में 62 मराठी नाटक रायगढ़ला जेव्हा जाग येते, इसका पहला प्रयोग मुंबई के भारतीय विद्या भवन में हुआ। 1994 में भाई जॉर्डन और इसराइल, इन देशों ने शांतता करार पर स्वाक्षरी की, यानी हस्ताक्षर किए। 1999 में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, यानी कि लैबोरेटरी के, जिसको शॉर्ट में NCL कहा जाता है, इसके संशोधक VV रानडे, इनको केंद्र सरकार की स्वर्ण जयंती फेलोशिप घोषित की गई। 2006 में महिलाओं का पारिवारिक हिंसाचार से संरक्षण प्रतिबंधक कायदा कानून, इसका अमल शुरू हुआ 2006 में। 1774 में फिलाडेल्फिया में पहली महाद्वीप की कांग्रेस स्थगित की गई। 1858 में H.A. स्मिथ, इन्होंने वॉशिंग मशीन का पेटेंट हासिल किया। 1976 में त्रिनिदाद और टोबैगो, इन देशों को
लंदन से आजादी प्राप्त हुई। सन 1923 में फारस में रजा खान अहमद शाह ख्वाजा का प्रधानमंत्री बने। 1934 में महात्मा गांधी जी के संरक्षण में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना की गई। 1951 में 51 विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 1969 में चांद पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री जिनके नाम थे नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन मुंबई आए भाई। 1975 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात अमेरिका की आधिकारिक रूप से यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति रहे। 1980 में इसराइल के राष्ट्रपति यत्झाक नावोन मिस्र की यात्रा करने वाले पहले इसराइली राष्ट्रपति रहे। 1999 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने आजीवन कारावास की अवधि 14 वर्ष तक तय की। 2005 में वर्ष 2006 को चीन और भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया। 2007 में नासा का महत्वपूर्ण यान डिस्कवरी ये यान अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंचा। तो ये हुए भाई आज की ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन देखते हैं 26 अक्टूबर के। कर्नाटक के 15वें मुख्यमंत्री सरेकोपा बंगारप्पा 1932। भारतीय न्यूजीलैंड के उद्योजक न्यूजीलैंड में नाइट पदवी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वंशी व्यक्ति सर रॉजर भटनागर 1942। साहित्यिक उपन्यासकार और संपादिका प्रीति सिंह इनका जन्म 1971 में हुआ। संत नामदेव जो महान संत है इनका जन्म आज के दिन 1270 में हुआ। पत्रकार और राजनीतिक गणेश शंकर विद्यार्थी 1890। सहकार आंदोलन के प्रवर्तक वैकुंठ मेहता 1891। फ्रांस के 21वें राष्ट्राध्यक्ष फ्रांसवा मित्रान 1916। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी 1919। संगीतकार गायक हृदयनाथ मंगेशकर जो मंगेशकर घराने के एक पांच में से एक भाई 1937 में इनका जन्म हुआ 37। अमेरिका की 67वीं विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन 1947 में इनका जन्म हुआ। नाट्य चित्र अभिनेता लक्ष्मीकांत बेर्डे 1954। अभिनेत्री रवीना टंडन 1974। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारक कायदा पंडित राजकीय नेता वीरेंद्रनाथ सासमल 1881। उड़ीसा के प्रसिद्ध समाजवादी कवि पंडित गोदावरीश मिश्र 1886। बंगाली लेखक साहित्यिक और शिक्षक मोहितलाल मजुमदार 1888। पद्मभूषण से सम्मानित स्त्रीवादी समाज सेविका गांधीवादी शोभना रानड़े 1924। अभिनेत्री मेघा आकाश 1995। पॉलिटिशियन मधुकर दिघे 1920। पॉलिटिशियन राम प्रकाश गुप्ता 1923। गुजराती कवि विपिन पारेख 1930। अभिनेत्री रानी चंद्रा 1949। क्रिकेट खिलाड़ी टी ई श्रीनिवासन 1950। गायक शब्बीर कुमार 1954। अभिनेता आर एस शिवाजी 1956। गायक कोट्टक्कल मधु 1968। अभिनेता करण शर्मा 1981। क्रिकेट खिलाड़ी सूरज यादव 1987। अभिनेता
मोहसिन खान 1991, महिला बॉक्सर मंजू रानी 1999 और शास्त्रीय गायक कलाकार पंडित सुहास व्यास 1949। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन 26 अक्टूबर के। अब स्मृति दिन, जापान के पहले प्रधानमंत्री इटो हिरो बूमी 1909, प्लेग और कॉलरा प्रतिबंधक वैक्सीन के शोधक सूक्ष्म जीवशास्त्री डॉक्टर वाल्डेमर हॉपकिन 1930, अर्थशास्त्री चंदुलाल नगीनदास वकील 1979, स्वतंत्रता सेनानी लेखक दैनिक मराठवाड़ा के संपादक अनंत काशीनाथ भालेराव 1991, भारतीय अमेरिकन लेखक और शिक्षक एकनाथ ईश्वरन 1999, शास्त्रीय गायक पंडित दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर यानी डीवी पलुस्कर 1955 में इनकी मृत्यु हुई। क्रांतिकारक महात्मा हंसराज के पुत्र बलराज भल्ला 1956, कन्नड़ कवि और साहित्यकार दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे 1981, क्रांतिकारक लेखक मन्मथनाथ गुप्त 2000, भारतीय जेसुइट पुजारी धर्मगुरु जॉर्ज नेदुंगत 2022, पॉलिटिशियन विनायक निमन जो पुणे के हैं महाराष्ट्र के 2022 में इनकी मृत्यु हुई, और दिग्दर्शक इस्माइल श्रॉफ 2022। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं भाई, लेकिन सवाल का जवाब देना बाकी है। तो ऐसा कौन सा देश है भाई जहां पैसे देकर अपने खुद की जगह दूसरे को जेल भेज सकते हैं पैसे देकर, है ना? तो ये देश है चीन, चाइना। जी हाँ बहन भाइयों, चीन में अमीर व्यक्ति अपने जगह पर दूसरे को जेल भेजने का प्रावधान यहाँ पर है। इसके बदले में उसको यानी जो जेल जाएगा उसको कुछ मुआवजा देना पड़ता है, और अमीर लोग यहाँ के करते हैं। यदि कोई कैदी तकनीकी रूप से सक्षम है और जेल में रहते हुए उसने किसी वस्तु का निर्माण किया हो तो उसे बेचकर वो अपनी सज़ा कम कर सकता है। तो चलिए बहन भाइयों, इस छोटी सी जानकारी के साथ अब मैं लेता हूँ विदा। भाई अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च कीजिएगा, और आज की वीडियो जानकारी कैसी लगी ज़रूर आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें भाई, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। तो चलिए अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का वादा करता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए भाई सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब।